ये देखो ये विंटर्स का है, विंटर्स में की जो बज्जी कॉलोनी है, ये देखो ये है ब्लू सबसे शरारती, और जो ये है वो शेर है वाइट वाला, बहुत ही ओबीडियंट है, जो बोलता है वो करता है। देखो अब हम खोलते हैं इनको, और देखो खोलने के बाद एकदम एक्साइटेड नहीं होते कि एकदम ही भाग जाए, बिकॉज इन्हें पता है कि यार रोज का है, रोज मैं इनको खोलता हूँ आराम से, इनको घूमने देता हूँ। मेरा है 20x25 का रूम होगा, 20 फुट या 30x30 का रूम होगा, हॉल होगा, उसके अंदर मैं हर रोज़ उड़ाता हूँ उनको। ये देखो आराम से ये बैठे हुए, एकदम ऐसे नहीं है कि ये एकदम ही भाग गए, देखो उड़े ना, अब आराम से उड़ेंगे, अब साइड साइड में बैठेंगे, ऐसे नहीं करते कि एक ही दम भाग गए कि भाई आज़ादी मिली है, बिकॉज दे नो यार कि हमें खोलते हैं, आराम से खोलते हैं। और ये जो केज है ना, ये केज नहीं है, इनका फ्लैट है, इनका घर है, इनका फ्लैट है ये। अब आराम से फ्लैट के अंदर बेडरूम में जाके आराम से सोते हैं, वैसे ये हम हॉल के अंदर हर रोज़ सोते हैं, हम हर रोज़ खोलते हैं इनको, तो हर डेली की प्रैक्टिस है। ये जो वाइट वाला है ये शेर है, देखो इसको जब मैं बुलाता हूँ तो ये रिस्पॉन्स करता है, ब्लू ब्लू शेरा शेरा। देखो ये देखा, अब ये देखो ये जो है ना ये रिस्पॉन्स देता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और जो इसे बोल देता है, जैसे ट्यूबलाइट पे ऊपर बैठा होगा, इसे बोलूँगा ना चलो अंदर, एकदम जाता है। अब इन्हें निकाल चुके हैं, इनको निकालो, ये बहुत ही अच्छा फ्लाई है, इन दोनों की बेस्ट फ्लाई है, ये जो शेरा और ब्लू है ना अभी, इन दोनों की बेस्ट फ्लाई है। ये देखो ये देखो ये जो है इसके बेबीज हैं दोनों, और ये है मेटल, इसको मैंने डोनेट कर चुका है, अपने फ्रेंड को डोनेट किया था, हाँ इसको मैं डोनेट कर चुका हूँ। और ये इसका बेटा है, ये जो अभी अंदर घुसा है बेटा है, जैसे अब थक जाते हैं, मन भर जाता है इनका, तो अपने आराम से अपने फ्लैट में जाते हैं। ये मैंने सीढ़ी टांगी हुई है, देखो ये देखो ये मेटल है, ये फीमेल है, और ये दोनों मेल है, ये फीमेल है, ये क्रॉस ब्रीड है, ये फीमेल है, बहुत ही अच्छा है। देखो उड़ते हैं इनके फ्लाइज, देखो इनकी परफेक्ट फ्लाई है एकदम। हम ऐसे नहीं करते कि यार रूम के अंदर नहीं खोलेंगे या वहाँ नहीं खोलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कैद में कि कहाँ आ गए, किसके घर पे आ गए, भैया हम कैद ही पड़े हुए हैं, वो निकलने नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मम्मी भी ध्यान रखती है भाई, और इसके अंदर क्या होता है कि हरा धनिया पुदीना और जितनी भी ग्रीन वेजीज होती है इनको दिया जाता है, जो कि ये हैप्पीली खाते हैं। और ये देखो इनकी फ्लाइज, देखो इनकी फ्लाई, देखो ये डोरी मैंने इन्हीं के लिए बांधी है, देखो फ्लाई, देखो कोई ऐसा बर्ड नहीं होगा कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके गिर जाएगा या कहीं टकराएगा, दे आर परफेक्ट इन फ्लाइंग, बिकॉज मैं बचपन से इनको खोलता आ रहा हूँ, छोटे छोटे बेबीज लेके आया था। लोग तो ऐसे होता है कि बड़ी बड़ी लाते हैं और वो मार देते हैं, मर जाती हैं, वो ध्यान रखते नहीं हैं, मर जाती है, मगर हम इनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, प्रॉपर ध्यान रखते हैं, प्रॉपर उड़ते हैं वो हर विंडो के अंदर उसके अंदर, और इनको मैंने हैंड फीडिंग भी कराया है, एकदम एकदम ऐसा है कि यार दे आर लाइक वेरी सपोर्टिव तो नहीं, फ्रेंडली हो चुके हैं ये। अब देखो ये डोरी मैंने ही बांधी है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ विंडो है बहुत वो है, तो वहाँ पर धूप लग जाती है। अब जब धूप लगाओगे ना आप विंटर्स के अंदर या उसके अंदर, तो 5-10 मिनट 15 मिनट की अगर आप बजीज को धूप लगाते हैं तो इनको बीमारी नहीं होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपको खुद फील हो जाएगा कि मेरे बजीज बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर आप इन्हें रोज़ उड़ाओगे तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ये देखो ये मैंने तुलसी टांगी हुई है, तुलसी खिलाना बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए, तुलसी पुदीना धनिया ये चीज़ें खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है कि एक्टिव होता है, आयरन की कमी पूरी होती है, बीमार नहीं होते हैं। और कैल्शियम ब्लॉक केज के अंदर ज़रूर रखना है, अगर कैल्शियम ब्लॉक नहीं रखोगे ना तो थोड़ा सा वो होता है कि कैल्शियम नहीं है, हड्डियों में प्रॉब्लम, तो इनको लूज मोशन और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती ही आती हैं। अब ये देखो ये मैंने डबल केज किया हुआ है, डबल केज इसलिए किया होता है कि कुछ पेयर लड़ते हैं तो मैंने क्या किया, उन पेयर को ऊपर डाल दिया, अब वो ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रहते भी हैं और लड़ाई भी नहीं होती है, एक दूसरे को इंजरी नहीं करते हैं। अरे ये मैंने तुलसी देखी, ये दिखाएंगे इनको अंदर केज के अंदर डालना, उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे बाय गॉड,